डे वी विल बी डिस्कसिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी बताया आपको कि जब भी हम कोई भी फूड चेन पढ़ते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्मली जब हम फूड चेन पढ़ते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, फ्रॉम द प्लांट्स। बट देर आर सम फूड चेन्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मटीरियल। दैट विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल स्टार्ट द फूड चेन। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इनटू द केमिकल फॉर्म वाया फोटोसिंथेसिस एंड इट इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन वेरियस फॉर्म्स लाइक बायोमास, लीव्स, रूट बायोमास या जो अपर ग्राउंड बायोमास जो स्टोर होता है एंड बाय वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो स्टोर होता है। एंड देन दैट एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्मड टू द हीटिड्रॉप्स। मे बी दे आर द हर्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स और टॉप कॉर्निवोर्स और दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जो बायोमास है उसकी जो है जरिए वो एनर्जी ट्रांसफर होती है टू अदर ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स। तो जो सन से जो हमारी एनर्जी आती है, अगर आप रिकॉल कर पाते हैं मेरा पिछला एक लेक्चर, मैंने कहा था कि अर्थ का जो एल्बिडो है, जो सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ पे आती है, तो उसका 30% रिफ्लेक्ट होता है बैक। मींस कि अर्थ का एल्बिडो 30% है। यू शुड रिमेम्बर दिस। तो उसके बाद कुछ जो रेडिएशंस आती है, जो पहुंचती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको भी जो है उसमें भी कुछ रिफ्लेक्ट बैक होती है। एंड देन क्लाउड कवर अगर होगा तो उससे भी जो रिफ्लेक्ट होती है उसका पूरा हम आगे जाके यूनिट्स में डिस्कस करेंगे कितना क्या रिफ्लेक्ट होता है एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। देन जो सोलर रेडिएशन है वो यूज होती है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो है इसका कम्बिनेशन होता है, मींस जो केमिकल रिएक्शन होती है। देन दे फॉर्म द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है एंड इट हेल्प्स रेगुलेटिंग द ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। एंड जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, या तो एज अ कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स में या प्रोटीन्स में या अदर फॉर्म्स में। अब जो सन से एनर्जी आती है तो उसका तो 50% रिफ्लेक्ट बैक होता है एंड देन 50% जो पहुंचती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसका खाली 1% जो है सोलर रेडिएशन यूज कर पाते हैं प्लांट्स। बिकॉज जो एफिशिएंसी है फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक एफिशिएंसी है प्लांट्स, दैट इज ओनली 1%। मीन्स कि अगर उनके लीव्स पे 100 फोटॉन्स गिरते हैं तो उनमें से वो एक ही फोटॉन को यूज कर पाते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, कैप्चर कर पाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अदर एंगल में भी डिस्कस करेंगे कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी एक इकोसिस्टम में है कि ये कैसे गवर्न होते हैं बाय द थर्मोडाइनेमिक लॉज। जो थर्मोडाइनेमिक लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, अक्सर जो हमने 10th से पहले भी पढ़ा है, चाहे वो आप आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से, मेडिकल नॉन मेडिकल से, सबको पता होना चाहिए कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्मड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो फोटोसिंथेसिस में जो पहला स्टेप है एनर्जी फ्लो में, ये इंप्लीमेंट होता है। तो कैसे होता है कि जब सोलर रेडिएशन गिरती है लीव्स पे, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इनटू द केमिकल फॉर्म। तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है बट दैट इज स्टोर्ड इन अनदर फॉर्म। तो जो दूसरा लॉ है ये भी, अब जैसे हम जो फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो ये दूसरा लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है इस एनर्जी फ्लो पे। दूसरा लॉ क्या कहता है? व्हेन एवर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर टू केमिकल एनर्जी, या हर्बीवोर्स खाएंगे प्रोड्यूसर्स को, मीन्स कि दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी गई है, तो उस दौरान कुछ एनर्जी लॉस होती है, रिलीज होती है इनटू द एटमॉस्फेयर या इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म। कैसे वो रिलीज होती है, वो क्या क्या वजूहत हो सकते हैं, वो रेस्पिरेशन हो सकता है, रनिंग हो सकती है। जब हम अपनी बॉडी की, जब हम खाना खाते हैं, कुछ पोर्शन उसमें से
लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, रनिंग या दौड़ते हैं या बाहर जाते हैं घूमते फिरते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ होता है, तो उससे जो है हीट डिसिपेट होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। तो वो वहाँ से जो है हीट, जब एक जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो पूरी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, पूरी एनर्जी ये ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, ये ट्रांसफर नहीं होती है। उसमें से कुछ पोर्शन जो है लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको आप 10% लॉ भी बोलते हैं। अगर सन से हमें फॉर एग्जांपल प्लांट से हमें 10 किलो जूल्स एनर्जी मिली है, या उनके बायोमास में 10 किलो जूल्स एनर्जी स्टोर है, तो अगर हर्बीवोरस वो पूरा बायोमास खाते हैं, वो उसका खाली जो है 10% ही ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं टू द अदर ट्रॉपिक लेवल्स, मीन्स कि खाली 10 किलो जूल्स। तो जो 90 किलो जूल्स है वो लॉस होता है इन वेरियस एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, रनिंग, हंटिंग, जो मतलब हर्बीवोरस या कार्निवोरस जो हंटिंग वगैरह करते हैं, प्रे और प्रेडिएशन जो एक्टिविटी है। तो ये था, जब हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो हम ग्लूकोज एक सिंप्लीफाइड जो है मॉलिक्यूल है, उसको उसकी जब रेस्पिरेशन होती है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, देन इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये अब देखो कि इसकी रिवर्स रिएक्शन है। तो ये जो सनलाइट यहाँ पे कैप्चर हुई थी, यही यहाँ पे रिलीज होती है, यहाँ पे हीट के फॉर्म में एटीपीज वगैरह, दो हम डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज कर पाते हैं इन द बॉडी। तो अब ये दो लॉस कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम? तो ये यहाँ पे एक मॉडल है, डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स पे गिरती है, तो दे ट्रांसफॉर्म दिस सोलर रेडिएशन इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो अब प्लांट्स में भी ऐसा नहीं है कि उन पे जितनी भी रेडिएशन गिरेगी वो खाली उसका 1% यूज़ करते, और 1% का जो वो यूज़ कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं, उसका वो पूरा अपने बायोमास में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्लांट्स का अपना मेटाबॉलिज्म होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, प्लांट्स भी हीट डिसिपेट करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनमें भी कुछ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। और वैसे तो प्लांट्स में उतनी बॉडी एक्टिविटी नहीं होती है, बट रेस्पिरेशन तो होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट वगैरह वो रिलीज होती है। देन जो प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है, कुछ भी जो कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो आपका पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक ओशन इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये सब के लिए वैलिड है ये डायग्राम। तो एक जनरल डायग्राम है, इसके अलावा भी बहुत सारी डायग्राम्स है, बट दिस इज द सिंप्लीफाइड वन, तो इससे आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे जब केमिकल फॉर्म बायोमास में केमिकल एनर्जी होती है, जब ये हर्बीवोर्स इस बायोमास को खाते हैं, देन दिस एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड जो होती है एनर्जी। तो वो हर्बीवोर्स को डाइजेस्ट करते हैं, उनकी अपनी बॉडी एक्टिविटी होते हैं, वो चलते फिरते हैं, हीट, वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है एटीपीज ब्रेक होते हैं, तो फूड खाना पड़ता है, खाना जो है, तो उसके बाद कुछ बचेगा, देन दैट जो है उसका जो वजन है, वेट मास इंक्रीज होता है। तो जैसे हम घर में बैठेंगे, आजकल लॉकडाउन में हम खाना खाते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो हमारी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, तो वो ओवर जो फैट कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है, वो इंक्रीज होता है। अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, देन हमारा जो फैट कंटेंट है या मसल कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ अदर एक्टिविटीज़। तो जब इससे थोड़ा कुछ बचेगा हीट या बॉडी एक्टिविटी से, जितनी भी एनर्जी बचेगी वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, और वो फिर कार्निवोर्स खाते हैं, एंड देन सेम थिंग अप्लाइज ऑन दैट आल्सो, कार्निवोर्स पे भी वो कुछ एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी करते हैं, उस पे भी कुछ हीट डिसिपेट होती है, एंड देन कुछ वो बायोमास अपने बॉडी में भी स्टोर करते हैं। तो इस दौरान कुछ एनर्जी एक्सक्रीशन में भी जो होती है ज़ाया होती है, कुछ जब डेथ होती है तो डिकम्पोशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसको डिकम्पोज करते हैं इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो वो फिर से जो है सॉइल में चला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का है, जितना भी बायोमास है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा हर्बीवोर्स खाएंगे,
कुछ जैसे रूट बायोमास है, कुछ अनवांटेड जो होते हैं शूट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स नहीं, हर्बिवोर्स नहीं खा पाते हैं, तो वो जो है जो डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया फंजी एक्टिनोमाइसिट्स, वो उसको जो है डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, हर्बिवोर्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशंस या कुछ मरते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप कार्निवोर से खाएंगे, तो सेप्रोट्रॉप्स अगर वो खुद से मरेंगे तो कार्निवोर्स उसको पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ बैड स्मेल, तो वो भी जो है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स का रोल हर किसी स्टेज पे है, हर किसी ट्रॉपिक लेवल पे है, ये नहीं है कि एट द एंड ऑफ जो टॉप कार्निवोर है उसको जो है डिकम्पोज करने के लिए ही डिकम्पोजर्स है, बट ईच एंड एवरी स्टेप पे डिकम्पोजर्स का रोल है। तो इसमें खाली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स में अगर 100 किलो जूल्स या 1000 किलो जूल्स स्टोर हुआ है इन बायोमास, देन ओनली 100 किलो जूल्स विल ट्रांसफर टू हियर। इसका खाली 10%, यहाँ 1000 है तो यहाँ पे खाली 100 होगा, यहाँ 100 है तो यहाँ पे खाली 10 होगा, यहाँ पे 10 है तो नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पे 1 होगा। तो यही वजह है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स है उनकी जो उनका जो मास है बायोमास है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज वो सपोर्ट कर सकते हैं लार्ज जो है उनमें जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा हर्बीवोर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि ये जो बेस लेवल है ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स में इसका जो है बायोमास ज़्यादा होता है एनर्जी, इस लेवल पे अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखें कि यहाँ पे एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो है, ये नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे हमेशा ज़्यादा रहेगी एंड देन यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी एनर्जी और द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। तो जो एनर्जी के लिहाज से अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स में ज़्यादा रहते हैं, फिर हर्बीवोर्स में कम होते हैं, देन कार्निवोर्स में और कम होते हैं, और टॉप कार्निवोर्स कुछ ही होते हैं जैसे टाइगर लॉयन, वो बहुत कम होते हैं, तो जिन पे वो फीड करते हैं वो ज़्यादा होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई है, इट पर्टेन्स टू ये वाला पोर्शन, ये मैं समझाना चाहता था आपको, जो प्लांट्स जो एब्जॉर्ब कर पाते हैं एनर्जी, वो सारी एनर्जी जो सोलर रेडिएशन हमारे पास आती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, वो गामा रेडिएशन से लेके जो है माइक्रोवेव रेडियो वेव तक आ जाती है, बट ये सारी रेडिएशन प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, खाली जो ये विजिबल लाइट है जिसका रेंज है 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, तो इस रेंज में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये खाली जो ये स्पेक्ट्रम है इट इज ओनली 45% ऑफ टोटल स्पेक्ट्रम, जो ये है स्पेक्ट्रम इसका खाली, इसका जो रेशो है इट इज 45% ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, तो इसकी जो एनर्जी है इसमें ही खाली 1% ऑफ दिस एनर्जी प्लांट्स कैन कैप्चर। अब इसमें भी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जिनका फेवरेबल जो लाइट इंटेंसिटी किस टाइप की होगी, कोई जो है रेड कलर ज़्यादा पसंद करता है डिपेंडिंग अपॉन द कैरेटीन कंटेंट एंड फोटो सिस्टम, उनके प्लांट्स लीव्स में किस टाइप का जो फोटो सिस्टम होगा कैरेटीन कंटेंट होगा जिससे वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं सोलर रेडिएशन, वो किसी भी स्पेक्ट्रम में होगा। तो बट जो है हाईएस्ट एनर्जी है यहाँ पे पर्पल जो 400 नैनोमीटर्स है, बिकॉज इसकी जो वेवलेंथ है ये बहुत छोटी है, जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है मीन्स एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, तभी गामा रेडिएशन की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है, दैट काजेज म्यूटेशंस, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी खतरनाक है, एक्सरे एक्सरे से भी खतरनाक है गामा रेडिएशन। तो ये खाली जो प्लांट्स है खाली विजिबल स्पेक्ट्रम में एनर्जी कैप्चर कर पाते हैं। तो ये था सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि व्हाट इज हाउ द प्लांट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी, हाउ दे ट्रांसफॉर्म द एनर्जी ओवर द ट्रॉपिक लेवल्स। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट फंक्शन है इकोसिस्टम का, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और न्यूट्रिएंट फ्लो, जो साइकिलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो अगर हम फिर से रिकॉल करते हैं तो जो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स रिक्वायर करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या अदर ऑर्गेनिजम्स कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स जिनको मतलब क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। ऑक्सीजन तो पता ही है आपको, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, और उसके अलावा जितने
जितनी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनमें ऑक्सीजन कंटेंट होता है. कार्बन इज वेरी, इसको तो बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं. ईच एंड एवरी कंपाउंड ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ कार्बन. देन हाइड्रोजन, ये भी इसी के साथ है, ये तीनों एक साथ होते हैं. देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोरस हमारी बोन्स में होता है, कैल्शियम भी हमारी बोन्स में होता है, जो बोन स्ट्रक्चर होता है. एंड देन उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए काम आते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स, कुछ कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट्स से उसमें होते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स में कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट्स जिससे उनकी एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज, दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शंस. और उसके अलावा कुछ कुछ प्रोटीनिस, प्रोटीन्स जो होते हैं, सल्फर फॉर एग्जाम्पल, सल्फर होता है प्रोटीन्स पे, तो वो कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये न्यूट्रिएंट्स हमेशा साइक्लिक पैटर्न में घूमते रहते हैं बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो ये मैंने आपको कल भी बताया कि आपका जो इकोसिस्टम है दैट विल रिवॉल्व अराउंड बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. एंड देन पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइकिल है दैट इज कार्बन साइकिल. कार्बन, अगर हम कार्बन साइकिल देखेंगे हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, देन जो हम देख, मैंने इससे पहले बताया कार्बन जो इट इज़ अ वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है कार्बन, मतलब बाइंड होता है, जैसे प्राइमरी जो रेडिली अवेलेबल है दैट इज़ ग्लूकोज, और अगर हम उसको कम्प्लेक्स और बनाते जाए, पॉली उसको जो है कम्प्लेक्स करेंगे, मतलब जिसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. एंड देन प्रोटीन्स में भी अवेलेबल होता है, लिपिड्स में भी, विटामिन्स में भी, हर किसी कंपाउंड जो हमारी बॉडी में एसेंशियल नॉन एसेंशियल है दैट इज मेड अप ऑफ, मतलब उसमें कार्बन होगा ही होगा. तो ये रहा हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होता है, देन एटमोसफेयर में, देन एटमोसफेयर में इन द फॉर्म ऑफ, देन इन एटमोसफेयर इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, एटमोसफेयर में तो गैसेस फॉर्म में ही होगा. देन जो फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स फिक्स करते हैं, देन कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट. तो उसके अलावा जो वाटर में भी अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जो जो हमारी एटमॉस्फेरिक और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज होता है इनटू द वाटर बॉडीज. तो वो जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ वो बनाता है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, एंड दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो डिफाइन करता है एसिडिटी इनटू द जो वाटर, वाटर की क्या एसिडिटी होगी. तो रिसेंटली जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है एंड दैट लीड्स टू द एसिडिटी ऑफ ओशंस. तो इसका क्या मतलब है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, इसमें कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से जो डिफ्यूजन है, मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुछ पानी में भी जाएगा, तो उसके साथ वो रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट्स बाय कार्बोनेट्स बनाएगा, उसकी वजह से एसिडिटी जो है वाटर बॉडीज की इंक्रीज होती है, मींस उसका पीएच डिक्रीज होता है, और जिससे जो एक्वाटिक एनिमल्स है जैसे फिश वगैरह है उनका जो स्पॉनिंग का जो एक्टिविटी है वो मतलब हिंडर होती है, में फिश जो एग्स होते हैं वो अच्छे से नहीं बन, उनका एग शेल कमज़ोर होता है, बिकॉज एग शेल जो बना होता है कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम जो रिएक्शन करता है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ वो उसका जो है कैल्शियम कंटेंट कंटेंट डिक्रीज करता है एग शेल, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है इन केस जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एटमोसफेयर में या हाइड्रोस्फेयर में इंक्रीज होती है. तो उसके अलावा हम एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो यही जो चीज़ मैंने यहाँ जब बताई है, अगर हम ये साइक्लिक फॉर्म में देखेंगे तो प्राइमरी जो अगर हम देखेंगे प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो है फिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड देन दे एब्जॉर्ब जो है वाटर फ्रॉम द सॉयल, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन बनाते हैं. देन जो कार्बन है वो चला जाता है, मतलब एक तो वो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं बाहर, देन वी दे स्टोर दिस का फॉर्म ऑफ जो बायोमास. तो जो एनिमल्स है वो खाते हैं कुछ, या ह्यूमंस भी है, एनिमल्स में ह्यूमंस की भी बात करता हूँ.
तो ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर हम रेस्पिरेशन करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पिरेशन से वो बाहर निकलता है इन द एटमॉस्फेयर, फिर वापस जाता है, और हमारे जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हम एक्सक्रीशन वगैरह करते हैं, तो उससे भी जो है कार्बन चला जाता है इन द सॉयल, और फिर वो डिकम्पोजर्स को डिकम्पोज करते हैं, और फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर कंपाउंड्स में अवेलेबल होता है। तो उसके बाद कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुल प्लांट्स जो है उनकी जो रूट्स है वो रेस्पिरेशन करते हैं। अब रूट्स जो है उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए भी उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बट ऑक्सीजन भी चाहिए, बिकॉज उनको जो है एक सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन करनी होती है, तो वो दे रुका है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है रात के टाइम पर्टिकुलरली। तो उसके अलावा जो हमारे पास कार्बन स्टोर हुआ था, सिक्वेस्टर मीन्स, एक तो दो टर्म्स है, कार्बन स्टोरेज एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन स्टोरेज होता है फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, 1, 2, 3 साल के लिए। सिक्वेस्ट्रेशन होता है फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जैसे हम जंगल बनाते हैं, अफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कि जो एटमोसफेरिक क्या कार्बन पूछ रहे हो? डाइऑक्साइड। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो जो ओके, ब्रेक हो गई रिदम। अच्छा, जो मैं कह रहा था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन स्टोरेज, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जो हमारे वुड्स में अवेलेबल होता है, तो वो हमेशा स्टोर रहता है जब तक ना हम उसको जलाए। वैसे ही कुछ फॉसिल फ्यूल्स है इन द फॉर्म ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, जो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ सर्टन वॉल्केनिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक की वजह से वो नीचे जमीन के नीचे दब गए, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो उसमें कार्बन स्टोर हो गया। तो बट जो रिसेंटली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम वो माइनिंग के जरिए बाहर निकालते हैं फॉसिल फ्यूल्स, एंड देन वी बर्न इन इंडस्ट्रीज, या हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें हम यूज करते हैं, देन वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो बेसिकली ये जो साइकिल है, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स फिर डेड, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है साइकिल वाला, ये प्रॉब्लमेटिक है जो फॉसिल फ्यूल से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, दैट ओनली कॉजेस द ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है। तो इसको फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट कन्वेंशंस के द्वारा, जो हमें एफॉरेस्ट्रेशन करनी चाहिए, जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं वी शुड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ जो है फॉरेस्ट्स, और भी अदर जियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल मॉडिफिकेशंस है, जैसे समंदर जो है उसमें भी हम सिक्वेस्टर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स वगैरह। तो बट दैट इज़ जो एंथ्रोपोजेनिक है, बट जो नेचुरल कार्बन साइकिल है दैट इज वो तो चलता रहता है। तो इसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी, तो फिर ये किसी भी चीज़ को इनपुट अगर इंक्रीज करेंगे तो वो कुछ ना कुछ उस पे असर आ जाएगा। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ कुछ इम्प्रूव हो जाती है, तो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वो एक तो है इनपुट है फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो अगर वो इनपुट इंक्रीज हो गया मींस कि उसकी ग्रोथ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे, तो ग्रोथ इंक्रीज होती है, बायोमास इंक्रीज होता है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास न्यूट्रंट्स उतने ही अवेलेबल है जितने पहले थे, जितना वो ले सकता है सॉइल से या वाटर से, न्यूट्रंट्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम उतने ही अवेलेबल है। तो जब बायोमास इंक्रीज होगा तो मींस कि वो जो न्यूट्रंट्स की जो अवेलेबिलिटी है इन बायोमास वो डाइल्यूट होती है। तो मैं ये ऐसे समझाऊंगा, अगर आप एक गिलास में चीनी डालोगे तो चीनी मानो आपके न्यूट्रंट्स है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और पानी मानो आपका जो है बायोमास है, तो अगर आप वो बायोमास इंक्रीज करोगे मीन्स उसका जो है पानी का कंटेंट इंक्रीज करोगे, तो वो जो है चीनी वो डाइल्यूट हो जाएगी, तथरोजनी चूता मियाँ छटके हैं। तो वैसे ही प्लांट्स में भी है, बायोमास इंक्रीज होगा तो न्यूट्रेंट्स जो है डाइल्यूट हो जाएंगे। तो कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट जिनको बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, वो जो फीड करते हैं प्लांट्स पे, उनको सफिशेंट क्वांटिटी में जो है अवेलेबल नहीं होता है न्यूट्रेंट्स, तो वो क्या करते हैं ज़्यादा बायोमास खाते हैं,
तो ज्यादा बायोमास खाने की वजह से जो है इन इंसेक्ट इन्फेस्टेशन ज्यादा होती है, ज्यादा जो है अटैक होते हैं ऑन प्लांट्स बिकॉज ऑफ रोडेंट्स इंसेक्ट्स। तो ये कहा जाता है दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन टू द एटमोसफियर। तो ये था एक कैसे इंसेक्ट इन्फेस्टेशन इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन टू द एटमोसफियर। तो ये था आपका कार्बन साइकिल। तो नेक्स्ट जो साइकिल है आपका नाइट्रोजन साइकिल। अगर आप रिकॉल कर पाते हैं कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ डायटॉमिक, डायटॉमिक मीनिंग इन N2, दो नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं, इट इज काइंड ऑफ इनर्ट स्टेट, ये रिएक्शन नहीं करता है आसानी से, बट देर आर जो कंसेंट्रेशन है इसकी जो है कॉन्स्टेंट रहती है ऑन एन एवरेज 78%। बट अब हम जब देखेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एनवायरनमेंट के हैं या इकोसिस्टम के हैं इनमें किस फॉर्म में जो है नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, जैसे बायोटिक कंपोनेंट में इन द फॉर्म ऑफ फूड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनमें नाइट्रोजन होता है, तो अमाइनो एसिड में भी होता है, विटामिन्स में भी होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो ये था आपका बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो ये प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में भी होता है। तो जैसे और प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है इन N2 फॉर्म वो डायरेक्टली फिक्स नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फिक्सेशन मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म, वो डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी मदद लेते हैं। वो हम साइकिल में देखेंगे कि क्या क्या ऑर्गेनिजम्स की मदद को लेते हैं। तो जब हम नाइट्रोजन हम अक्सर भी जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो है डालते हैं सॉइल में, जैसे यूरिया डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, फार्मयार्ड मैन्योर होता है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिकल फॉर्म। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो ओम्यूनिफिकेशन करते हैं, जैसे N2 कंटेंट होता है तो वो NH मतलब इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया उसको जो है कन्वर्ट करते हैं। तो वो जब प्लांट्स जो है वो प्लांट्स दो ही फॉर्म में नाइट्रोजन को रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक तो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। अब नाइट्राइट्स जो है वो भी कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में पहले, उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब डिफरेंट प्लांट्स हैं, जैसे आपका राइस है, इट प्रेफर्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट अमोनिकल फॉर्म जो है नाइट्रोजन, तभी हम यूरिया वगैरह डालते हैं। अब जो पोटैटो है दैट प्रेफर्स नाइट्रोजन एब्जॉर्बिशन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स मीन NO2 नेगेटिव जो उसका चार्ज है, अमोनिया में बताऊंगा नेक्स्ट जो स्लाइड में NH2 के फॉर्म में। तो ये दो फॉर्म में मेनली जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट्स इन द प्लांट्स, जिसको जो असिस्ट करते हैं नाइट्रोबैक्टर, ये जो है बैक्टीरिया का नाम है, नाइट्रोसोमोनास ये भी बैक्टीरिया का नाम है। तो ये किस स्टेज पे काम करते हैं मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो सम बैक्टीरिया कन्वर्ट, जो अब कुछ बैक्टीरिया है जो मॉलिक्यूलर जो है जिसको हम डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो जैसे नाइट्रेट होता है पान ये सॉइल में उसको वो कन्वर्ट करते हैं इन N2 फॉर्म, मीन्स कि वो उस फॉर्म में उसको अवेलेबल करते हैं कि वो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो वो बैक्टीरिया क्यों करते हैं, बिकॉज उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। जब अगर किसी भी स्टैंडिंग वाटर में, हम क्यों राइस में बोलते हैं कि अमोनिकल फॉर्म में जो है नाइट्रोजन चाहिए, बिकॉज उसमें जो है ऑक्सीजन कंटेंट नहीं होता है, NH2 होता है। अगर NO2 होगा मींस वहां पे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के साथ, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं वो NO2 के जो ऑक्सीजन है वो निकालते हैं अपनी जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, और जो नाइट्रोजन है वो फिर जो है डिफ्यूज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, तो उसको डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। उसमें भी डिफरेंट बैक्टीरियाज है। तो ये एक कड़ी है, ये एक रिंग है कि एक पूरा जो चेन होता है नाइट्रोजन साइकिल में। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन द साइकिल, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो 78% है एटमॉस्फेयर में वो कैसे फिक्स होता है, बाय लाइटनिंग।
जो विजमल्च गैस है, तो उसकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें वो रिएक्शन करता है विद वाटर। तो उसके बाद जो क्लाउड्स होते हैं, जैसे हमेशा जो अपर एटमोसफेयर हम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, फिर भी होता रहता है लाइटनिंग। तो उसमें वो रिएक्शन करता है एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन विद वाटर, एंड देन दैट गेट्स डाउन टू द हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो वो नीचे पहुंचता है सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स लेते हैं, और फिर प्लांट से हम जो है एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ वेरियस जो बायोमास है, चाहे हम वेजिटेरियंस हो या नॉन वेज हो, तो थ्रू फूड चेन पहुंचता है जो है हमारी बॉडी में। तो फिर हम जब वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे निकलते हैं, एक्सक्रीशन हम करते हैं, तो वो भी डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मैटर, वो भी फिर सॉइल में चला जाता है, और कुछ पोर्शन डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया से निकलता है फिर भी एटमोसफेयर में। तो ये साइकिल है पूरा। उसके अलावा ये तो नेचुरल है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस ने कैसे उसको इंटरफेयर किया, हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो उससे भी जो है नाइट्रोजन, जो ये अमोनिकल फॉर्म है, NH4, NH2 भी है, बट NH4 इन जो इसका है पूरा, जैसे किसी अदर एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करता है, तो अमोनिया नाइट्राइट, नाइट्राइट में NH2 एंड नाइट्रेट NH3, तो ये नाइट्रिफिकेशन है, इसको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। कैसे एक अमोनिकल फॉर्म कन्वर्ट होती है इन नाइट्राइट, ये इसकी केमिकल फॉर्म है, देन नाइट्रेट में। तो अब इन दो, या तो प्लांट्स अमोनिकल फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करेंगे या नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे भी हम फर्टिलाइजर जब डालते हैं, ये भी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स होते हैं या अमोनिया होते हैं, तो ये फिर प्लांट्स जब एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये फिर चला जाता है बायोमास, फिर से साइकिल में चला जाता है। आप ये रिपीट की समझ नहीं आ रहा है। मैं करूंगा, कोई बात नहीं। तो जब ये नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स एंड अमोनिया हमारी जो है फूड चेन में चले जाते हैं, देन इट गेट्स जो है फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बट कुछ प्लांट्स है, जैसे लिग्यूम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजमा कुलचा सा, उसकी जो रूट्स में होते हैं छोटे छोटे दाने जो होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उसमें राइजोबियम होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसमें एक पिगमेंट होता है, जैसे हमारे ह्यूमोग्लोबिन में एक पिगमेंट है, जो ब्लड में ह्यूमोग्लोबिन है एक पिगमेंट, उनके भी उसमें पिगमेंट होता है जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करता है, और फिर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया जो है प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल करता है। तभी हम बोलते हैं कि जो लिग्यूम्स होते हैं वो ग्रो करना चाहिए एक इंटरवल पे इन द जो है फील्ड, ताकि उसका जो नाइट्रोजन कंटेंट है इंक्रीज हो जाए। और कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे एजोला होता है प्लांट, उसके लीव्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्टली फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एनाबिना एजोली उसको बोलते हैं। जैसे राइस फील्ड्स में हम जब फर्टिलाइजर, जैसे ये थाल रुआन जमीनस में, उससे पहले जब हम ये वो बनाते हैं यानी ब्यूअल छतरावा, तो उसमें एक प्लांट छोटा जो फ्लोट करता है पानी में, उसको एनाबिदा एजोली भी बोलते हैं, कोई कोई उसको वीड भी बोलता है, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो राइस फील्ड्स में लगाएंगे तो हमारा जो राइस का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज उसके जो लीव्स में होता है ना एक बैक्टीरिया होता है जो फिक्स करता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन वो अवेलेबल करता है टू द प्लांट्स, तो उससे हमारी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। तो और भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नाइट्रोजन कैसे एक साइकिल में आता है, जिसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन मीन्स कि जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन कुछ कुछ वाटर बॉडीज में इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, चाहे वो सॉइल से नाइट्रोजन लीच करता है, या हमारे जो अदर वाटर बॉडीज है या सीवेजेस है उसमें उससे उसके जरिए वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन फॉस्फोरस चला जाता है, तो उनमें कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी जो है ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, उनका जो बायोमास रेट है इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज इनपुट्स जो होते हैं नाइट्रोजन के इंक्रीज होते हैं, तो उनकी वजह से यूट्रोफिकेशन होती है, तो बाद में जो है उसका बीओडी जो है
कंटेंट इंक्रीज होता है, बिकॉज जैसे बायोमास इंक्रीज होगा इसको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इश्यूज विद द वाटर जो रिसोर्सेज है. बट आप में से किसी ने बताया था कि ये रिपीट करना है. देखो हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स. अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है. और अगर हमारे पास प्लांट्स है या एनिमल्स है तो वो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स और जो हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके फॉर्म में अवेलेबल होता है. और जो अदर जो लिथोस्फियर है, जो सॉइल है, उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. तो अब ये साइकिल फॉर्म में कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब जब जैसे नाइट्रोजन जो अमोनियम फॉर्म में, नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में होता है सॉइल में, ये एब्जॉर्ब होता है बाय प्लांट्स, ठीक है. जब प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे, वो इसको मेटाबॉलिसिस करेंगे, वो इसको कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स. तो फिर जो बायोमास बनता है वो प्लांट्स खाते, एनिमल्स खाते हैं, एंड देन उसकी बॉडी में वो ट्रांसफॉर्म होता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फिर से वो डिकम्पोज होते हैं बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन बाय द बैक्टीरिया. तो ये नॉर्मल जो साइकिल है. बट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये वाला, तो ये कैसे फिक्स होता है इनटू द सॉइल. इसके दो कुछ कुछ जो है सोर्सेज है. एक तो लाइटनिंग मैंने बताया, लाइटनिंग के जरिए जैसे लाइटनिंग होती है तो उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे जो है ये नाइट्रोजन रिएक्ट करता है विद वाटर, वाटर वेपर जो क्लाउड्स में होता है तो वो नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. दूसरा सोर्स क्या है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है इनटू द सॉइल, दैट इज बैक्टीरिया जो लिग्यूमेंस प्लांट्स में होते हैं, जैसे राजमा वगैरह में होता है. तीसरा जो एजोला होता है, मैंने जो प्लांट, उसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो सॉइल में डायरेक्टली होते हैं, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सॉइल. अब ये था एक नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, कैसे नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ जो है नाइट्राइट्स एंड अमोनिया. इसमें भी डिफरेंट बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये डायरेक्टली खुद कन्वर्ट नहीं हो जाएगा इसमें, ये अमोनिया नाइट्रोसोमोनास के जरिए नाइट्राइट में होता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में होता है पाई ये बैक्टीरिया. एक तो नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर से होता है अमोनिकल फॉर्म टू नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट से नाइट्रोसोमोनास में. तो ये एक पूरा एक साइकिल है जिसमें हम प्लांट्स को अवेलेबल करते हैं, जिसमें नेचर अवेलेबल करता है प्लांट्स को नाइट्रोजन. बट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये रिएक्शन रिवर्स करते हैं. यहाँ पे अगर ये नाइट्रेट है, इसका ऑक्सीजन वो निकालते हैं फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन, तो ये नाइट्रोजन फिर एटमॉस्फेयर में इन गैसेस फॉर्म में चला जाता है. तो उसके अलावा हम नाइट्रोजन को भी जो है अवेलेबल करते हैं इनटू द सॉइल बाय वेरियस फर्टिलाइजर्स, जैसे यूरिया जो है फर्टिलाइजर हमने डाली, या और भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है जैसे फार्म यूर, मैन्योर है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और एज वेल एज केमिकल फर्टिलाइजर्स. उससे भी हम जो है नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं. उससे क्या होता है, ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ.